अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं मस्जिद शहदा में बैठा हूँ जो कि बिल्कुल गजवा अहद के साथ है, जहाँ पे मैं गजवा हुई थी। सामने गजवा की पहाड़ियाँ हैं, मैं भी दिखाता हूँ। फिलहाल मस्जिद में आया था तो नफल पड़े हैं जहाँ पेश करने के। इस मस्जिद का नाम मस्जिद शहदा के नाम से अफसरफ ने बनाई थी, क्योंकि जहाँ पर जो भी शहदा कराम शहीद हुए थे, सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो उनके नाम के ऊपर अफसरफ ने मस्जिद शहदा बनाई थी। तो अभी अपने नफल अदा कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा करवा देता हूँ अंदर के। ये मस्जिद शहदा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, जिन शहदा की याद में बनाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि गज़वा अहद के अंदर शहीद हो गए थे। और हाजिक साहब जो भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी वो नफल अदा करते हैं आके। तो ये मस्जिद शहदा है, अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं। और ये मस्जिद के हम बाहर आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर बाहर बोर्ड भी लगा हुआ मस्जिद जामिया सईद शहदा। देखिए जामिया सईद शहदा शहदा के नाम से। और ये मस्जिद है, बाहर के एरिया है। ये सामने जो पहाड़ी है, ये गजा अहद के पहाड़ हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जंग हुई थी, जो गजा अहद की जंग लगी थी उस जगह के ऊपर लगी थी। तो सामने वो पहाड़ है गजा अहद वाले। ये सामने पहाड़ी है, ये भी गजा अहद की पहाड़ी है। यहाँ पे लोग काफ़ी ऊपर देख सकते हैं, रश है, काफ़ी ऊपर चढ़े हुए हैं। तो अभी हम भी इस तरफ चलते हैं। और ये कबूतर देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मस्जिद के बाहर कबूतर हैं, काफ़ी रश है। ये साथ जो है छोटे छोटे बकाले बने हुए हैं, होटल जिसे हम कहते हैं, दुकान ही कहते हैं पंजाबी के अंदर, जो दुकानें या शॉप कहते हैं, तो इसे यहाँ पे अरबी में इनको बकाला कहते हैं। तो ये मस्जिद की बैक साइड है। हम जा रहे हैं इस तरफ, शहदा की कब्रें हैं, कब्रिस्तान है जो कि गजा अहद में शहीद हुए थे। सहाबा कराम की कब्र मुबारक है जो कि गजा अहद में शहीद हुए थे। अभी दिखाता हूँ, पास भी जाने देंगे लेकिन दूर दूर से मैं आपको ज़्यादा करवाता हूँ। جيلي بالخير هو ما ادري هو يستعبط، ما ادري هو يبقى الخير، ما ادري.